हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी मैम। इस वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग। 40 ब्रेस्ट है, उसका चौथा करके हमने 2.5 इंच प्लस करके फोल्ड किया है, तो चौथा करेंगे तो 10 आएगा। फिर 2.5 इंच प्लस करके हमने 12.5 इंच पे फोल्ड किया है। हमारी लेंथ 40 इंच है, 14 इंच है, तो हम 2 इंच प्लस करेंगे ये बैक साइड के पल्ले की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे 16 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, 6 इंच पे शोल्डर लेंगे यहाँ पे, इधर से भी 6 इंच लेना है। आर्महोल 6.5 लेंगे। अपन साइड से भी 6.5 निशान लगा देना है ताकि स्ट्रेट निशान लगे। अब बैक साइड के पल्ले में हमें ब्रेस्ट का चौथा करते हुए निशान लगाना है, 10 इंच आएगा और यहाँ 2 इंच मार्जिन। कमर पे भी सेम निशान लगाएंगे, 10 इंच पे, उसके बाद 2 इंच मार्जिन। यहाँ डॉट का निशान लगाने के बाद जितना एक्स्ट्रा होता है 2 इंच रख के हम कटिंग कर देते हैं, इसलिए हम 3 निशान लगा दे रहे हैं, क्योंकि ब्लाउज में तो बाद में निशान फिटिंग का निशान लगता है। इस तरीके से हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब बाहर की साइड गहराई देंगे 2 इंच पे बैक पल्ले में। इस तरीके से बाहर की साइड हमें गहराई देना है। ये हमारा बैक पल्ला है, तो इस तरीके से हम गहराई देंगे 2 इंच पे सेंटर से। अब हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और गले का लेंथ 8 है, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और बॉक्स हम 3.5 इंच पे बनाएंगे, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा डीप रखेंगे। इसके स्ट्रेट मिलाते हुए गोलाई दे देंगे हल्की सी, इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक साइड का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक साइड कटिंग हो गया, ये रहा। यहाँ पे हमें गोल गला बनाना था, इसलिए हमने कटिंग कर लिया है गले का। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग के लिए लेंथ में 2.5 इंच प्लस करते हैं, तो हम बैक साइड के लिए 16.5 इंच लिए थे निशान, अब यहाँ पे 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम, क्योंकि डॉट के लिए 1/2 इंच और ऐड कर लेते हैं फ्रंट पल्ले में। अब ये हमें स्ट्रेट मिला देना है। अब शोल्डर लेंगे 6 इंच पे, इधर से भी 6 इंच और आर्महोल 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम जैसे हमने बैक साइड में निशान लगाया था, इसी तरीके से हमें फ्रंट में भी ले लेना है। बस इस निशान को मिला देना है इसे। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे, 1/2 इंच प्लस करेंगे 10 और 1/2 इंच प्लस करके 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन। यहाँ भी 10.5 इंच पे और 2 इंच मार्जिन। इस निशान को भी हम मिला देंगे स्ट्रेट। अब इसमें हम 1/4 इंच पे गोलाई देंगे आर्महोल की, सेंटर से निशान लगाते हुए
अंदर की साइड गोलाई देंगे, इस तरीके से गोलाई देना है। हम गली का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे ही, और हमारा फ्रंट गली की लेंथ 4 इंच है तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये फ्रंट पल्ले का गला है इसीलिए हम नीचे भी 2.5 इंच पे ही लेंगे, डीप नहीं करना। ये बॉक्स बना के गोलाई दे देंगे। हम डॉट का निशान लगाएंगे ऊपर से, हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे डॉट का। और चौड़ाई में 4 इंच लेंगे, नीचे से भी 4 इंच लेंगे, स्टेप मिला देंगे। एक डॉट हमें आर्मोल के पास से सेंटर से लेना है 3 इंच करीब में, यहीं तक। अब इन दोनों के बीच में से एक डॉट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से डॉट लगाना बहुत इजी हो जाता है। और इस साइड से 3 इंच रहेगा निशान, ये देखिए 3 इंच पे। ये मार्जिन वाली साइड से हमें 3 इंच लेना है और इस तरीके से निशान लगाना है। इन दोनों डॉट से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रहेगा, इस डॉट से 1/2 इंच ऊपर रहता है ये। अब एक डॉट इसके सामने से लगाएंगे, यहां से ये भी 3 इंच करीब में, ये रहा। इस तरीके से हमें डॉट लगाना है। ये हमारे चारों डॉट हो गए, ये देखिए। इस तरीके से हमें डॉट का निशान लगा देना है। ये हो गया हमारा निशान कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यहां से। इसे हमें कट कर देना है बीच में से, क्योंकि हम आगे हुक आई करने वाले हैं। और इस डॉट के निशान को हमें दूसरे पल्ले पे भी लगा देना है। हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे, इसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब किनारी कटिंग करके हम निकाल देंगे। हमारी आर्मोल 18 इंच है तो 9 आएगा, और ये हमारा मार्जिन आ रहा है 1.5 इंच। अब हम फुल लेंथ में लेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे, 6 है तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारी लंबाई में 2 इंच प्लस करेंगे फोल्ड करने के लिए। निशान लगा के हमें मिला देना है। अब हम ओपन साइड से 2.5 इंच माइनस करेंगे, इस तरीके से डाउन करना 2.5 इंच पे शेप देने के लिए। ये हमारी बाजू का शेप है, ये हमारे अंदर की गहराई है। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे 9 इंच पे, और ये हमारा मार्जिन आ जा रहा है 1/2 इंच। गहराई देने के बाद मार्जिन और बढ़ जाता है। हमारी गोलाई है 14 और 7 इंच, और मार्जिन 1/2 इंच।
फिर इस तरीके से हमारे स्लीव का निशान लग गया। अभी हम ऊपर वाली साइड की कटिंग कर लेंगे। ये हमें दोनों स्लीव की एक साइड गहराई देनी है। इस तरीके से एक साइड के क्रॉस का निशान लगा लेंगे ताकि एक जैसी बाजू ना बन जाए, दोनों एक साथ एक हाथ की ना बने, इसलिए हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे। ये हमारे स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई, फुल ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है ब्लाउज की कटिंग करना।